मुरादाबाद जनपद में स्वास्थ्य विभाग द्वारा बच्चों को बीमारियों से निजात दिलाने के लिए बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। सभी नगर पंचायत नगर पालिका परिषद में भी स्वास्थ्य कैंप लगाने के साथ टीकाकरण अभियान को करने के लिए बड़े स्तर पर काम हो रहा है। नगर पंचायत अगवानपुर में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए टीकाकरण कैंप का आयोजन कराया गया। एक दिवसीय टीकाकरण कैंप का शुभारंभ नगर पंचायत अगवानपुर के अध्यक्ष गुलरेज खान द्वारा किया गया। इस दौरान सभी ग्रामवासियों से अपील की गई केवल अपने बच्चों को बीमारियों से दूर रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस टीकाकरण अभियान का हिस्सा बने। इस दौरान नगर पंचायत कार्यालय पर मौजूद स्वास्थ्य विभाग की ओर से आई कर्मचारी नीरज यादव ने बताया कि समय समय पर यहां पर कैंप लगाए जाते हैं जहां पर बच्चों को टीके लगाए जाते हैं। उद्देश्य है कि बच्चे बीमारियों से दूर रहें और स्वास्थ्य सेवाएं दी जा सके। ये भैया हर महीने पे आरआई होता है, रूटीन इम्यूनाइजेशन, तो उसमें 0 से 2 साल तक के बच्चों के टीके लगाए जाते हैं और एक फिर टीका लगाया जाता है 5 वर्ष। तो ये कौन सा टीका होता है मैडम? ये टीके हर बीमारी के आते हैं। कोई विशेष कारण है? विशेष कारण जो जन्म पे टीका दिया जाता है वो हमारा BCG का, वो TB से बचाव के लिए दिया जाता है। फिर पेंटा वो 5 बीमारियों के लिए टीका दिया जाता है। एक PCV का टीका आता है वो निमोनिया से बचाव के लिए दिया जाता है। आपने ये कहाँ पर कैंप लगा रखा है, कब तक रहेगा? ये पंचायत भवन पे रहेगा 9 से 4 तक। 9 से 4 तक। कुछ कहना चाहती हैं क्षेत्र के लोगों से आप? मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को मतलब स्वस्थ रखने के लिए हर महीने यहाँ कैंप में लगाती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा टीके लगवाते हैं।